को आके से मारी तो गई आप। बेशर्म, रुको अभी आती हूँ मैं जरा। कंट्रोल बेबी पार्टी किया अभी चलते हो ना। हाँ नहीं म्यूजिक अपने कब्जे तो ठीक नहीं होते तुझसे, अपने सोना टोना मोना उनके बारे में सब जानना है तुझे, ठहर जरा। यार शीशे में जाके देखती हूँ होते हुए कैसी दिखती है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। ये सेल्फी में आंसू क्यों नहीं आ रहे? एक काम करती हूँ सैड गाने लगा के देखती हूँ। ये नेटफ्लिक्स लाउंज में पल्लू कैसे टक करूं? अनायसा पे जाके देखना, मुझे रोने दे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि नेटफ्लिक्स ब्लाउज में जब भी हम पिन लगाते हैं तो पतला फैब्रिक होने की वजह से ब्लाउज फट जाता है और कई बार तो नेटफ्लिक्स ब्लाउज में पिन भी नहीं लगती। तो आगे से ऐसा ना हो इसलिए हम यूज करेंगे 2 रुपए वाला बैंडेज और फिर उस बैंडेज को ब्लाउज के शोल्डर के अंदर लगा लो इस तरह से और फिर पिन लगा लो, क्योंकि पिन नहीं लगाओगे तो पल्लू तो गिर जाएगा ना। पर अब पिन लगाने से ना ही आपका ब्लाउज फटेगा और ना ही साड़ी। और एक बात और, अगर इस कलर में आपको प्रियंका सुंदर लग रही है ना तो कमेंट करके जरूर बताना। आलिया मैम आप साड़ी पहन के क्यों नहीं आई? हैक नहीं है मेरे पास। मैडम आपके पास कोई साड़ी हैक है? अनायसा से पूछो। माधुरी आजा, अनायसा वाले हैक बता रहे हैं। लो चली मैं। हैक का जिम्मा तो ले लिया पर बताऊंगी कहाँ से। ओ माय गॉड ऑडी, इसकी 4 चूड़ियां तो बहुत सुंदर लग रही है, इससे तो मैं एक साड़ी का हैक कर सकती हूँ। आपको लेनी है हमेशा की तरह एक साड़ी, बस आपको पल्लू की इस साइड की छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है ऐसे, और बस पल्लू की अब मेजरमेंट ले लो। यूजुअली तो हम घुटने तक ही रखते हैं ना, तो उतनी ही मेजर करके ले लो। अब जो कंधे पे रखी हुई पल्लू थी ना उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लो और फिर इसी पल्लू को टेबल पे रख लो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और ऑडी की 4 चूड़ियां यूज कर लो। चूड़ियों को बस क्रिस क्रॉस करके एक के ऊपर एक लगाना है और पल्लू को निकालते जाना है बिल्कुल दिखाए हुए तरीके से, और अब आपको कुछ ऐसा डिजाइन नजर आएगा। मुझे मार के यहाँ देखो कितने मजे कर रही हैं। कुछ खा लेती हूँ। खाली? ये भी खाली? मेरे लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ खुद ही खा रही हैं। अभी इनका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। मम्मियों को सबसे ज्यादा किससे प्रॉब्लम होती है? फ्रिज में रखी खाली बॉटल से। बॉटल्स खाली, अपना काम तो हो गया। ये ले पकड़, पानी पी के आते हूँ।
अरे अभी तो भर के रखी थी। अच्छा जीतू अभी बताती हूँ। चलो अब नहाती हूँ आराम से। ये भी फटी, ये भी फटी, ये भी फटी। ओहो इसके सारे कपड़े फटे हुए हैं। चलो मैं इसको सिल देती हूँ। चलो अब ठीक है, सब कपड़े सही हो गए। अब तो चीतू की बल्ले बल्ले। ये मेरी रग्ड जीन सिल किसने दी? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ये ड्रेस भी सिल दी? दूसरा निकालती हूँ। ये टॉप भी और ये शॉर्ट्स भी। हे भगवान गर्मी में ये डेनिम ड्रेस पहननी पड़ रही है। चलो लड़ाई लड़ाई माफ करो, कुत्ते की पॉटी साफ करो। ये देखते रहिए नया सुनता है। ये नेकलेस नहीं है ना, तो ऐसा फैशन में भी नहीं है आजकल। टेंशन ना, 10 मिनट लगेंगे टेलर से सही कराने में, मैं अभी करा कर आती हूँ, ठीक है? हाँ जा। अगर आप भी अपनी नॉर्मल कुर्ती को हॉट एंड सेक्सी बनाना चाहते हैं ना, तो ऐसे बना लीजिए। तो जितना बड़ा आपको बेकलेस चाहिए उतना कट कर लो, फिर मार्केट में जो पाइपिंग मिलती है ना, उस पाइपिंग को अपने टेलर से स्टिच करा दो, फिर आपकी कुर्ती भी एकदम सेक्सी लगेगी। ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी डिजाइन ऐसे पसंद आ रहा है ना, तो उसकी पिक्चर लेके रख लो, ताकि आप बाद में उसे अपने टेलर को दिखा के स्टिच करवा सको। यार देख मेरी न्यू कुर्ती मुझे टाइट हो रही है। देख एक बार तू ट्राई कर, क्या पता तुझे आ जाए। कभी कभी हमारी कुर्ती टाइट हो जाती है और अंदर मार्जिन ना होने की वजह से वो हमें किसी और को देनी पड़ती है, पर अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो फिकर नॉट इसका भी है क्या हमारे पास। आपको क्या करना है, कुर्ती की साइड्स को ओपन करके वहाँ पे सिर्फ एक बड़ी सी लेस लगा देनी है। इससे आपकी कुर्ती का साइज भी बड़ा हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगी। इन लड़कियों के टीचर तो